बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गुजार रहे होंगे और पढ़ाई को पूरा पूरा वक्त दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने मुस्तफ़ा कमाल का, मैंने कल आपको एक हिस्ट्री बताई, उसके अलावा जो है हमने पहले 7 क्वेश्चंस भी उनके किए थे, तो रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस मैं आज आपको उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछते हैं, व्हाट वाज डिसाइडेड, क्या फैसला हुआ था बाय द ग्रैंड टर्किश नेशनल असेंबली, अजीम जो बहुत बड़ी तुर्की की कौमी असेंबली थी, एट द एंड ऑफ द वार के एंड में बड़ी असेंबली ने क्या फैसला किया था तुर्की की। द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की डिसाइडेड बाय द यूनैनिमस वोट, मतलब एक कसीर तादाद में बिला मुकाबला कह सकते हैं आप ये कि उन्होंने फैसला किया, तो एबोलिश कहते हैं मनसूख करना, ख़त्म कर देना, द सल्तनत इन टर्की, तुर्की में जो है वह उनकी सल्तनत को ख़त्म करने का फैसला किया गया था उस असम्बली की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वाई डिड मुस्तफ़ा कमाल सिंप्लाई द टर्किश लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज को मुस्तफ़ा कमाल ने ज़्यादा सिंपल क्यों बनाया, क्यों ज़रूरत थी उसकी। द टर्किश लैंग्वेज हैड मैनी अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स, वो कह रहे हैं टर्किश लैंग्वेज में बहुत सारे अरबी और पर्शियन वर्ड्स थे, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लर्न, उनको याद करना मुश्किल था। मुस्तफ़ा कमाल सिंप्लीफाइड द टर्किश लैंग्वेज, मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की ज़बान को इसलिए सिंप्लीफाई किया, टू मेक इट सिंपल, इसको आसान और सादा बनाने के लिए, ईजी एंड मॉडर्न, आसान सादा और जदीद बनाने के लिए सिंप्लीफाई किया गया, ताकि सबके लिए ईजी टू लर्न हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, व्हाट वर मुस्तफ़ा कमाल व्यूज़ अबाउट वुमेन ऑफ द कंट्री, मुल्क की औरतों के बारे में मुस्तफ़ा कमाल का क्या नज़रिया था, क्या सोचते थे वो। मुस्तफ़ा कमाल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वुमेन शुड आल्सो हैव शुड हैव इक्वल राइट्स, लिखा हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल की राय ये थी कि औरतों के भी मसावी हकूक, बराबरी के हकूक होने चाहिए। दे शुड बी एजुकेटेड, उनको तालीम याफ्ता होना चाहिए। दे शुड बी इनक्रेज टू टेक पार्ट इन नेशन प्रोग्रेस, उनको हौसला अफजाई की जानी चाहिए कि वो कौम की तरक्की में हिस्सा ले सकें। तो इस तरह औरतों के बारे में मुस्तफ़ा कमाल के व्यूज़ ये थे, जैसे कि हमने इस चैप्टर में हीरो में भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वर मुस्तफ़ा कमाल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मीशत के बारे में मुस्तफ़ा कमाल की क्या रिफॉर्म्स, इस्लाहात कौन से उन्होंने की थी, क्या स्टेप्स उठाए थे। फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म न्यू रोड्स एंड रेलवेज वर कंस्ट्रक्टेड, माशी इस्लाह के लिए नए सड़क, नए रेलवेज जो है वो तामीर किए गए थे। न्यू फीचर्स वर ओपन, नई चीज़ों की दरियाफ़, बहुत सारा कुछ शुरू हुआ। ही इनक्रेज हैवी इंडस्ट्री, बड़ी सन्नत को उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। द बैंकिंग सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज, बैंकिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज कराया गया था। ही डिड ऑल दिस विदाउट बोरिंग फ्रॉम आउटसाइड, उधार बाहर से कर्जा लिए बगैर उन्होंने ये सब कुछ किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, व्हाट वर सोशल रिफॉर्म्स इन द कंट्री, कंट्री में उनकी समाजी इस्लाहात क्या थी। मुस्तफ़ा कमाल फिनिश्ड ओल्ड टाइटल, उन्होंने ओल्ड जो पुराना टाइटल था उनको ख़त्म कर दिया। पहले द पीपल यूज टू वेयर फेस, फेस कहते हैं इनकी एक सुर्ख किस्म की एक तुर्की टोपी होती थी स्पेशल, पहले वो पहनते थे लोग। नाउ वेयरिंग ऑफ हैड वाज कंपल्सरी, अब उन्होंने हैड पहनने को लाजमी करार दे दिया था। वेल वाज आल्सो एबोलिश्ड, औरतों का जो है नकाब, हिजाब भी मनसूख कर दिया गया था कि हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वुमेन वर अलाउड टू गेट हायर एजुकेशन, औरतों को आला तालीम हासिल करने की इजाज़त थी। व्हाट हैपेंड एंड ऑन 23 अप्रैल 1920 को क्या हुआ। ऑन 23 अप्रैल 1920 द रेवोल्यूशनरी टर्किश ग्रैंड असेंबली, इनकलाबी बड़ी असम्बली थी, मेट एंड इलेक्टेड मुस्तफ़ा कमाल एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, मुस्तफ़ा कमाल को पहला सदर, तुर्की का पहला सदर मुंतखब किया था उस असम्बली में। कब हुआ था ये, 23 अप्रैल 1920 में। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस हीरो इज, Why October 1923 is famous in the history of the world?
अक्टूबर 1923 जो है वो दुनिया की तारीख में क्यों मशहूर है? द 29 अक्टूबर 1923 इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑन दैट डे द ऑटोमन एम्पायर वाज वाइप्ड। वाइप्ड कहते हैं बिल्कुल उड़ा देना, सरे से साफ कर देना, सफाया कर देना, फ्रॉम हिस्ट्री, तारीख से सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया था। एंड न्यू टर्किश रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड, और न्यू जो है वो तुर्की रिपब्लिक कायम की गई थी। तो ये चैप्टर है, हीरोज़ हैं इसके, हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं आपको, मैंने कल 7 दिए थे पहले, आज ये सेकंड 7 है, ये आपने लर्न करने हैं। होपफुली जो है वो आप अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।